अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत अफसोसनाक बात हुई कि शाहनवाज दानी का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया गया। दोस्तों उनकी शक्ल को लेकर बहुत ज्यादा बातें की गई, मगर उन्होंने भी पाकिस्तानियों को बहुत मुनासिब जवाब दिया। मैं आपको मुकम्मल तफसील बताता हूं, मगर इससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा की अपडेट्स भी आप बर वक्त हासिल कर सकें। पाकिस्तानियों की तरफ से इस नहायत बुरे अमल की वजह से शाहिद अफरीदी भी बहुत ज्यादा नाराज हुए और बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। शाहिद अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान में शाहनवाज दानी की तरह का लड़का मैंने आज तक क्रिकेट के सर्किट में नहीं देखा, जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खिदमत सर अंजाम देगा। दोस्तों जब पाकिस्तानी शायकीन ने शाहनवाज दानी की शक्ल का मजाक उड़ाया तो उन्होंने इस पर बहुत अफसोस का इजहार, मगर जो लोग ऐसा कर रहे थे उन्हें शायद इस बात का इलम नहीं था कि शाहनवाज दानी किस तरह की मुश्किल से पार होकर इस सर्किट में। शाहनवाज दानी ने कहा कि पिशावर जुल्मी के खिलाफ मैं परफॉर्म नहीं कर पाया था, इस बात का मुझे गहरा अफसोस था, मगर जब पाकिस्तानियों की तरफ से इस तरह का रद्द अमल आया तो इस पर मुझे और भी ज्यादा दुख हुआ। इस पर सीनियर क्रिकेटर्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझे समझाया कि हार जीत खेल का हिस्सा होता है, इस तरह दिल पर नहीं लेते। मगर परफॉर्मेंस को बुलाने के बाद पाकिस्तानियों की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया वो दोस्तों शाहनवाज दानी के लिए बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात। दोस्तों आप इस पर पाकिस्तानी शायकीन जो ऐसा कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं, आपने कमेंट करके हमें जरूर बताना है। और आपने बताना है कि क्या शाहनवाज दानी फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं, क्योंकि उनका टैलेंट तो आप देख ही चुके हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आइंदा अपडेट्स हासिल करने के लिए। अल्लाह हाफिज।